Living on the terrace for 24 hours challenge. ए मेरे पौधे पे सुसु मत करियो। आए आए ये क्या हुआ? खबरदार किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो। सुबह हो गई मामू मामू ए मामू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? आज तो मैं सबसे डिफिकल्ट चैलेंज करने जा रही हूँ जो आप लोग इतने टाइम से कह रहे हो करो करो। आई एम गोइंग टू लिव ऑन माय टेरेस फॉर 24 आवर्स टुडे। पता है इस छत पे आज तक मैंने 24 मिनट तक नहीं गुजारे हैं और आज मैं पूरे 24 घंटे के लिए इस छत पे रहने को ट्राई करने वाली हूँ। चैलेंज के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं, रादर बहुत ही डिफिकल्ट हैं। मैं छत पे हूँ, मैंने कोई टेंट वेंट नहीं लगाया है। आज आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, हे भगवान इनमें से कुछ ना आए, कुछ भी हो जाए, धूप आए, मैं इस छत से नहीं जा सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक वॉशरूम ब्रेक अलाउड है। चलिए आप लोगों को छत पे अपना बनाया हुआ ये घर दिखाती हूँ। बचपन में खेलते थे ना घर घर, बाय गॉड बिल्कुल उसकी याद आ गई। आ जाओ आ जाओ। ये है मेरा प्यारा सा बेडरूम। ये मेरा सोफा का बेड है जिसे बाद में मैं सोने के लिए बिछा दूंगी। और ये है मेरा ड्राइंग रूम जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं करने के लिए। और ऊपर मैंने बनाई है अपनी वार्डरोब। पता है ये जो तार है ना, इस पे वॉचमैन लोग अपने कपड़े सुखाते थे, लेकिन आज मैंने इसको अपना वार्डरोब बना लिया। जुगाड़ दिमाग लगाया बहुत ये सेटअप करने में। और ये है मेरी किचन। और चलो चलो बाथरूम तो दिखाना रह गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज बिल्कुल देसी स्टाइल में नलके के नीचे मैं हाथ धोऊंगी, यहीं पे मुंह धो लूंगी। ये रहा मेरा साबुन, ये रहा मेरा टॉवल। और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं योगा से। फ्रेंड्स, मेरे दिन को और अच्छा बनाने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके ओह नो, ये कहां से आ गया? सिमा हट यहाँ से। ए मेरे पौधे पे सुसु मत करियो। प्लीज प्लीज सुसु मत करियो यहाँ पे बेबी। नो, हटो 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 हटो। सुसु नहीं करना, सुसु नहीं करना। सिमा नो। आज का वर्कआउट तो इसने मुझे अपने पीछे पीछे बहुत आगे करा दिया है और मुझे लग गई बहुत जोर की भूख। फ्रेंड्स, सिम्बू तो यहाँ पे खुल के वॉशरूम जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बार वॉशरूम यूज कर सकती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। मैं लाई हूँ गाजर। छत पे ना एकदम ऐसे दिल्ली की याद आ रही है। हम लोग छत पे बैठ के सर्दियों में गाजर खाया करते थे, संतरा खाते थे और साथ ही अमरूद। तो आज का ब्रेकफास्ट यही है। भाई वाह, इतना मीठा अमरूद। हाँ हाँ, वेरी गुड। हेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाओ। गाइज, आज तो सुबह सुबह छत पे आके धूप में मैंने अपना विटामिन डी का कोटा पूरा कर ही लिया और साथ ही हेल्दी भी खा लिया। लेकिन आप लोगों को लगता है कि डेली बेसिस पे हम अपनी बॉडी को इनफ विटामिंस और मिनरल्स दे पाते हैं? अगर दे पाते होते तो फटीग, हेयर फॉल, बॉडी एक, मसल पेन, ये सब शिकायतें हमें नहीं होती। जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जैसा खाना हम खाते हैं, उससे हमारी बॉडी को हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं लेती हूँ ये सप्लीमेंट बाय एन वेदा। इट्स अ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि जिंक, मैग्नीशियम, वाइटामिन D3 और B12 भी है। इसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और वाइटामिन D3 है ना, दैट इज इन प्रॉपर कॉम्पोजिशन विच हेल्प्स इन प्रमोटिंग हेल्दी मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, साथ ही हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और ड्राई स्किन का भी ख्याल करता है। इसमें जो जिंक और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज ऑल्सो इन ऑप्टिमल क्वांटिटी
जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्लस विटामिन B12 जो टायर्डनेस और फटीग को रिड्यूस करता है। टेक 1 tablet अ डे विद वाटर। इसको रेगुलरली लेने से आप इसके फायदे बहुत जल्दी महसूस करेंगे। अगर आपको भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखने में एक स्टेप आगे बढ़ना है तो ये एनवेदा टैबलेट्स मंगा लीजिए। एक बॉटल में 60 tablets हैं, विच विल लास्ट यू फॉर 2 months। इट्स ओनली फॉर ₹235। और अगर आप एक साथ 2 bottles ऑर्डर करते हैं, दैट्स इवन चीपर, ₹395 में आपको 2 bottles मिल जाएंगी। और अगर आप एनवेदा की वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आई लीव ऑल द डिटेल्स फॉर यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और चलिए अब मैं आपको अपनी छत का थोड़ा टूरिज्म कराती हूँ, क्या बोलते हो? चश्मा लगा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं और अब मैं बन जाती हूँ आप लोगों की टेरेस टूर गाइड। आ जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मेरे छत पे दिखाने के लिए। कम आपको पता ही है मैं सेलिब्रिटी नेबरहुड में रहती हूँ। मेरे चैनल पर सबसे पॉपुलर वीडियो देखा है ना, जॉग करते हुए सबका घर दिखाना। चलो छत से भी दिखाती हूँ सब लोगों के घर। वहाँ पे जो आपको टावर दिख रही है, उस वाली लेन में अनिल कपूर का बंगलो है, शत्रुघ्न सिन्हा का बंगलो है, और वहाँ पे वो ग्रे कलर की एक टावर है, दैट इज रोहित शेट्टी टावर, इट्स शेट्टी टावर्स। और यहाँ पे ये व्हाइट बिल्डिंग जो है ना, यहाँ पे सारा अली खान रहती है। और ये नीचे पूल दिख रहा है आप लोगों को, कितना प्यारा नज़ारा है। ये हमारा क्लब है जहाँ पे मैं वर्कआउट करने जाती हूँ, और आज नहीं गई। पवन हंस मैंने आपको बता ही दिया, एरो स्ट्रिप है जहाँ से प्राइवेट एरोप्लेन्स और साथ में हेलीकॉप्टर्स फ्लाइट भरते हैं। और इस तरफ है मुंबई का एयरपोर्ट जहाँ से एरोप्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते ही रहते हैं। आओ आप दूसरी साइड चलते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड गुलमोहर रोड, क्योंकि यहाँ पे गुलमोहर के बहुत सारे पेड़ हैं। और राइट देयर है एकता कपूर का घर, उसके बगल में है नाडियाडवाला का घर, और वो जो सामने आप लोगों को बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ पे रहते हैं संजीव कपूर। ये सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर। मजा आया ना मेरे छत के टूरिज्म में? अब मुझे ना बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है, चलो एक ड्रिंक बनाते हैं। माय ब्लू क्यूराको इज रेडी। आय हाय, ये क्या हुआ? चिड़िया की पॉटी लग गई। छत पे रहने का नुकसान। गॉड, धोना पड़ेगा इसको। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके सर पे या कहीं और चिड़िया ने टुडुंग? एनीवे फ्रेंड्स, अब मैं अपनी बुक पढ़ूंगी, अपना ड्रिंक एंजॉय करूंगी और आप लोगों से मिलूंगी लंच टाइम पे। 1 hour later. So guys, it's lunch time और सिंबू जी ना जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं मेरे पास छत पे आने का, है ना? खाने के टाइम पे बराबर आ जाते हो। दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं लंच में क्या खाने वाली हूँ। मेरे पास है ये मसाला, ये सब्जियाँ, नो कुलचे, और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे साथ में क्या होने वाला है। मटरा कुलचा ये मैं बनाऊंगी। इसमें अभी मैं प्याज, टमाटर, मसाला, नींबू सब कुछ डालने वाली हूँ, देन इट विल बी रेडी। देखो फ्रेंड्स, बिना कुकिंग के अगर कुछ जुगाड़ करना है तो मटर कुलचे से बेटर ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता। चटपटा मटर खा गया ये। सिंबूर में अपना लंच एंजॉय करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A little longer than a few minutes later.
फ्रेंड्स 3 बज गया है। अभी तक तो बहुत मजा आ रहा था चैलेंज करने में, अब धूप से हालत खराब हो रही है। मेरे इस छोटे से घर में भी ऐसे आग जल रही है, भट्टी बन गया मेरा घर। Oh, no. सिम्बू आप तो नीचे जाओ बेबी, और मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस छत पे कहीं और जगह ढूंढती हूँ, कोई और ठिकाना ढूंढती हूँ। ये चीटिंग नहीं होगी, टेरेस चैलेंज है, पूरी टेरेस मेरी है, चलो जाओ। यहाँ पे छाव है, इधर ही बिस्तर लगा लेती हूँ। वाओ, यहाँ पे ठंडक भी लग रही है और थोड़ी हवा भी चल रही है। सो फ्रेंड्स, मैं लेती हूँ एक प्यारी सी नैप और मैं आपसे मिलूँगी शाम को चाय के टाइम पे। बस आस पड़ोस के लोग मेरे को पागल ना समझे, मुंबई में ऐसा काम कोई नहीं करता है। बाय, सी यू इन द इवनिंग। लेटर दैट सेम इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैंने इतना अच्छा मौसम चूज़ किया ना ये चैलेंज करने के लिए, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मज़ा आ गया, उठने का मन भी नहीं कर रहा है। पर चलो, चाय का टाइम हो गया है, चाय पीते आ जाओ। मेरे घर पे तो अभी भी धूप आ रही है, चाय का सामान यहीं पर लेकर आती हूँ और चाय भी मैं यहाँ बिस्तर पे बैठ के ही पीऊँगी। ओके, पूरा का पूरा टोकरा ही ले आई। ये रहा मेरा थर्मस जिसमें है गरम पानी और चाय, तो आप लोगों को पता ही है, गिरनार जिंदाबाद। लेट्स मेक माय टी। A few moments later. अरे ढील दे दे रे भैया, इस पतंग को ढील दे। गाइस, मैं अपनी छत पे पतंग उड़ाने जा रही हूँ। वैसे तो मुझे पतंग वतंग उड़ानी आती नहीं है, लेकिन मैं ये मॉडर्न टाइप की पतंग लेकर आई हूँ जिसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपेरेंटली। इसमें सिर्फ ये बांधना है और इसे उड़ाना है। पुरानी दिल्ली में थी ना, तो हमारे घर में 15 अगस्त को और 26 जनवरी को पतंग उड़ाते थे। मैं पुरानी दिल्ली वालों के नाम पे धब्बा हूँ, क्योंकि मुझे क्लियरली ये पतंग उड़ानी नहीं आ रही है। एक लास्ट ट्राई, हाँ इधर नीचे डालती हूँ। किसी को आती है पतंग उड़ानी? मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। फ्रेंड्स, पतंग वतंग तो मुझसे उड़ी नहीं, लेकिन मैंने अपनी छत से बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट देखा और अब ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए मुझे अपना एक लौता वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ेगा। तो मैं यूं गई और यूं वापस आई, आप लोग कहीं मत जाना। ओके, सी यू। वन डेथ टू सोसाइटी लेटर। आ गई नीचे, वॉचमैन से पूछ कर आई कि यहाँ पर लाइट का कोई जुगाड़ है। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे टेरेस पे लाइट है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट भी है, तो हम गर्मा गर्म डिनर खाएंगे। बहुत ही जुगाड़ लगाया है आपकी इस जुगाड़ क्वीन ने। ये देखो गाइज, यहाँ पे ना ये हिडन इलेक्ट्रिसिटी रूम है जहाँ से मैंने दो एक्सटेंशंस जोड़ कर अपना इंडक्शन लगाया है। इस पे मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पास्ता। फ्रेंड्स, जब तक मेरा पास्ता बन रहा है, मैं जाके जरा अपनी जैकेट पहन लूँ। देखो कितनी हवा चल रही है और वो भी बहुत ही ठंडी ठंडी। खबरदार किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अभी ठंड लग रही है तो क्या करूँ यार। This is so nice and cozy. चलो, let's have dinner now. Dinner done.
क्योंकि आज मैं छत पे हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि लेट के मुंबई के नाइट स्काई में स्टार गेजिंग करती हूँ. गुड आइडिया राइट? फ्रेंड्स, खुले आसमान के नीचे लेटकर मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आसमान में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवाय चंदा मामा के. स्टार गेजिंग में स्टार्स तो दिख ही नहीं रहे हैं. बैड आइडिया, ऐसे तो टाइम पास नहीं होने वाला है. मुझे लगता है लैपटॉप पे मूवी देख लेनी चाहिए. अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लैपटॉप पे एक बढ़िया सी मूवी एंजॉय करूं. सो सी यू आफ्टर 2-3 आवर्स. 3 आवर्स लेटर. फ्रेंड्स, 12:30 बज गया है. आजू बाजू की सारी बिल्डिंग्स की लाइट्स बंद हो गई हैं. हमारी सोसाइटी ने भी सर्विस लाइट्स ऑफ कर दी हैं. बहुत तेज हवा चल रही है, मुझे ठंड लग रही है और मुझे डर भी लग रहा है. अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं. देखो, मैं ये चैलेंज कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा डर लगा ना तो भाग जाऊँगी. लेट्स सी, क्या मैं ये रात छत पे सरवाइव कर पाती हूँ कि नहीं. फिलहाल भगवान जी का नाम लेकर चद्दर तान कर सोने की कोशिश करते हैं. गुड नाइट. नेक्स्ट मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो गई है, सूरज सर पे आने वाले हैं और मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया है. आई एम सो हैप्पी. पता है, आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे ऐसे डेजा वू हुआ. मुझे लगा कि मैं पुरानी दिल्ली अपने बचपन में ट्रांसपोर्ट हो गई. जब वहाँ लाइट चली जाती थी ना, तब हम लोग छत पे सोते थे. माय गॉड, कितने सालों बाद मैंने ये काम किया है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगा, यू नो यू हैव टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गरमाज़ गुड लाइफ. चलो, आई लव यू ऑल.